हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम करेंगे अपना बीबीएससी 103 का यूनिट फर्स्ट, जिसका मैंने पार्ट वन आपको करा दिया है और पार्ट टू आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं अपनी शुरुआत इस चैप्टर की। तो मैंने पार्ट वन में बोला था, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको बीपीएससी 101 का लिबरल थ्योरी पढ़ के आना होगा। ठीक है, अब मैं पार्ट टू को देखने से पहले बोलूंगी कि आप अपना बीपीएससी 101 का यूनिट मार्क्सिस वर्ड करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्या है, आगे के जो टॉपिक है ना, वो है हमारा मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स का आइडिया ऑफ फ्रीडम। मार्क्सिस्ट क्या करता है, जो मार्क्स कार्ल मार्क्स है, वो क्या करते हैं, इस आइडिया को, फ्रीडम के आइडिया को क्रिटिक्स करते हैं। तो हमें मार्क्स का आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, मार्क्सिस्ट होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो उसको पता करने के लिए आप जाओगे बीपीएससी 101 की प्लेलिस्ट पर और ये पूरा यूनिट कंप्लीट करके आओगे और फिर इस यूनिट पर आओगे। ठीक है, तभी आपके बेसिक क्लियर होंगे और तभी आप चीजों को लिंक करके पढ़ पाओगे। ठीक है, कुछ नहीं है, वही यूनिट है, वही रिपीट कर दी गई है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि लिबर्टी को लेकर क्या क्या हर किसी, उसका हर एक जो स्कॉलर है उसका क्या कहना है। ठीक है, यही हम पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का, बकवास वजी बंद कर कर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने आपको सब करा दिया था कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बाहर से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये कब एमर्ज होकर आता है, जब न्यू सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनते हैं किसके अंदर, मॉडर्न यूरोप के अंदर। तो वहां पर जो हमारे आइडियाज डेवलप होकर आ रहे थे वो लिबर्टी के आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी की बात की जाती है, आगे चलते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इंसान जो कि कोई भी अगर वो अपने एक्शन कर रहा है तो उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए उसके ऊपर। बाहर से कोई उसको ज्ञान नहीं देगा कि भाई तेरे को ये करना है, भाई तू ये ले, वो कर, ये कर, नहीं, वो खुद करेगा, जो करना है वो खुद करेगा। ठीक है, आगे हमने पॉजिटिव लिबर्टी देख ली, जिसके अंदर हम खुद की बात करते हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी, जहां पर हम बाहरी किसी के दबाव को रोकने की बात करते हैं। ठीक है, जेएस मिल का व्यू देखा था हमने, नेशन ऑफ द लिबर्टी ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ईशा ब्रालिन लिबर्टी को लेकर, दो कॉन्सेप्ट, मतलब की पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। अब तक तो यही पढ़ के आ रहे हैं ना, लिबर्टी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर हम खुद की बात करते हैं, सेल्फ की, और नेगेटिव के अंदर बोलते हैं कि कोई हमारे ऊपर रोक नहीं करेगा, कोई भी हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा, बाहरी दबाव को हम रोकने की बात करते हैं, है ना भाई। तो यही हमारी महान जी बात करेंगे, ये का कौन सी अलग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, वही है। ठीक है, तो हमारे ब्रिलियन जी दो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं लिबर्टी के, जो कि पब्लिश करते हैं 1958 के अंदर, जहां पर ये बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में। तो नेगेटिव लिबर्टी में ये क्या कहते हैं, ये इसको समझाने के लिए ना कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं। अब कैसा क्वेश्चन, एक ग्रुप या एक पर्सन, ठीक है, जो कि लेफ्ट करता है, मतलब वो छोड़ देता है कुछ करने के लिए। ठीक है, कि अगर वो कुछ भी कर रहा है, कोई भी काम हो गया, ठीक है, कोई भी एक्शन हो गया, कोई भी कुछ भी डिसीजन लेना है, तो वो दूसरे इंसान को छोड़कर क्या कर रहा है, मतलब बाहर से कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर, वो उसको छोड़कर जो वो करने के लायक है वो कर रहा है। ठीक है, बिना किसी इंटरफेयर के, कोई भी पर्सन उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। दूसरा, जहां पर वो पॉजिटिव सेंस में बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब इंटरफेयर कौन कर रहा है, तो ये है पॉजिटिव। ठीक है, पता नहीं क्या बोल गई। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये बातें ध्यान मत रखना, कुछ भी बोल दिया इन्होंने। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी में बताते कि सेल्फ मास्टरी होनी चाहिए, हमारा खुद का होना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, तो अंदर से होना चाहिए कि हाँ तुम्हें ये करना है और तुम कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं किसी ने बोल दिया कि भाई तुमको ये करना है तो तुम करने लग जाओगे, नहीं। ठीक है, खुद का अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अगर नहीं है तो मेडिटेशन कीजिएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक स्पेशल थ्योरी देते हैं जहां पर ये बात करते हैं सेल्फ मास्टरी की। ठीक है, ये बोलते हैं पर्सनैलिटी ना दो उसमें डिवाइडेड होती है, एक हायर एक लोअर। हायर सेल्फ मतलब कि इंडिविजुअल जीनियस होता है, वो क्या करता है, लोअर सेल्फ, और दूसरी तरफ आने लोअर होते हैं जो कि इरेशनल होते हैं, मतलब वो सोच विचार कुछ नहीं करते, वो अपने बारे में नहीं सोचते, भाई कैसे लोग हैं इस दुनिया में। एक पर्सन जो कि फ्री होता है, ये पॉजिटिव लिबरेटिव में क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन जो कि फ्री होता है अपने खुद के हिसाब से, वो सॉरी खुद के हिसाब से,
ठीक है, वो कोई भी एक्शन लेगा तो वो दूसरे से ज्ञान नहीं लेगा कि भाई बता मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अपनी खुद के मन की सुनेगा, अंतरात्मा की सुनो, ठीक है। और जो हमारा लोअर सेल्फ वाला होता है वो कमांड पर चलता है। अगर उसको किसी ने बोल दिया कि भाई देखो यहाँ पर भूत रहते हैं, वो मान लेगा, ठीक है, ये क्या बोल दिया, ठीक है, तो कमांड पर काम करेगा। किसी ने बोला कि भाई तेरे को ये करना है तो वो करेगा, ठीक है। मेन फीचर क्या होता है, जो आइडिया है पॉजिटिव लिबरेटी का, यहाँ पर सेल्फ की बात करते हैं, वो खुद का अज्यूम करता है कि मेरे को करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो इंडिविजुअल के बारे में सोचता है, इंडिविजुअल की थॉट जो खुद हम अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। और इनको क्रिटिक्स किया जाता है, ब्रेलिन के नेशन को, कि आप जो पॉजिटिव लिबरेटी का जो झंडा गाड़ते वो डोल रहे हैं, इसके अंदर आप लिबरेटी के साथ कुछ और वैल्यूज की बात करें, इक्वलिटी की, राइट्स की, जस्टिस की, इन सब की बात करें, ना कि आप फ्रीडम फ्रीडम क्या फ्रीडम, ये सारी चीजों को भी तो लेके साथ में चलो आगे, ठीक है। तो वही है यार जो अब तक पढ़ा है ना हमने, नेगेटिव लिबरेटी मतलब बाहर से दबाव खत्म करने का है, ठीक है। पॉजिटिव लिबरेटी हम खुद की बात करते हैं कि हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए हमारे एक्शन में, हमारी चॉइस में, हमारे वर्क में, कोई भी आकर हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे, बस इतना ही था। ज्यादा मत अपने दिमाग को घुमाना, खिचड़ी नहीं पकाने का है, सबका अपना वही बेसिक क्लियर है, तो वही है। मार्क्सिस्ट जो कि क्रिटिक्स करते हैं आइडिया ऑफ फ्रीडम, देखो मैं भी काफी खुश हूं, मतलब खुश तो नहीं, मेरे को भी काफी अच्छे लगते हैं मार्क्सिस्ट के आइडिया, और मानना भी चाहिए, तभी मजा आता है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में, ठीक है। मार्क्सिस्ट के आइडिया सच में ही बहुत अच्छे हैं। मार्क्सिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम को लेकर थोड़ा सा अलग है लिबरल व्यू से, क्या बोलते हैं क्या वो हम देखते हैं क्या बोलते हैं। मेन पॉइंट जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि इंडिविजुअल सोसाइटी, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है पता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ये क्या करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं। अब तक जो कि हमारे झंडा लहरा रहे थे कौन, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का कौन, लिबरल आइडियाज वाले, ठीक है, जैसे जे एस मिल, ब्रालिन, ये सब बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। क्या बोलते हैं कि लिबरल व्यू वेस्ट होता है इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल की बात करते हैं कि फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये बोलते हैं ये कोई फ्रीडम नहीं होती है। एक इंडिविजुअल जो कि अलग हो रहा है बिल्कुल सोसाइटी से, वो कैसी फ्रीडम भाई, वो फ्रीडम नहीं होती। मार्क्सिस्ट कहते हैं फ्रीडम जो होती है ना वो डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास करना, वो होता है फ्रीडम। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर कभी आपको फ्रीडम अचीव नहीं होगी, इंडिविजुअल अलग हो जाएगा, वो खुद से अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जहां पर तुमको सपने दिखाए जाते हैं ना कि तुम फ्री हो, लेकिन रियलिटी में तुमको एक्सप्लॉइट किया जाता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इन अर्लियर सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर तुमको फ्री बोला जा रहा है लेकिन तुम्हारा प्रमोशन सेल्फिश के लिए कराया जा रहा है, किसी का प्रमोशन कराया जाता है ना, वो कंपनी वाले अपने हिसाब से कराते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो काम करते जाते हैं उसका प्रमोशन कराया जाता है। प्राइवेट इंटरेस्ट के अंदर जो भी होता है वो सेल्फिश होता है, ठीक है, वहां पर कोई फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती है। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कभी आपको फ्रीडम मिलेगी भी नहीं, अच्छे भर भर के कूट कूट के इन्होंने इनको क्रिटिक्स करा है, ठीक है। इट वॉज ओनली, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो रियल वाली फ्रीडम मिलेगी आपको साइंटिफिक सोशलिज्म से। अब आप बोलोगे कि साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है, तो मैंने चैप्टर को, इस यूनिट को स्टार्ट करते नहीं, इस वीडियो को स्टार्ट करते नहीं, मैंने आपको पहले बोला था मार्क्सिस्ट के आइडियोलॉजी को पढ़ के आओ, बीपीएससी 101 का यूनिट देख के आओ, तभी पता चलेगा। तो उसको पढ़ने का है और फिर ये वीडियो देखने का है, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी, मैं क्यों बताऊं, मैंने पहले बता दिया था साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता, अच्छे से पढ़ाया है मैंने वहां पे, ठीक है। तो ये अपने आइडिया को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि साइंटिफिक सोशलिज्म से ही आपको रियल वाली फ्रीडम मिल सकती है। बोलते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जहां पर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता किसी भी क्लास का, वहां पर ही आपको फ्रीडम अचीव की जा सकती है। मैन्युस्क्रिप्ट कार्ल मार्क्स की, जहां पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ये बोलते हैं डीह्यूमनाइजिंग, क्यों ऐसा क्यों है, बोलते हैं कि यहां पर पता क्या होता है, इंडिविजुअल ना वो खुद से अलग होता चला जाता है। एलिनेशन की अगर आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी तो पता चल जाएगा, बोलते कि धीरे 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 इंसान इतना अलग हो जाता है उसको नहीं पता होता है वो कहाँ चला गया है, ठीक है। वो बोलते हैं फ्रीडम कुछ नहीं है भाई, तुमको अलग कर रहे हैं दुनियादारी से। कम्युनिस्ट सोसाइटी जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, मतलब जो तुम्हारा रिसोर्स होता है, वो कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट,
अब गवर्नमेंट तो उसको क्या करती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है। लोग यहाँ पर पूरी सोसाइटी, हर एक मेंबर सोसाइटी का क्या करता है, मिलजुल कर काम करता है, और सभी के सभी लोग डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये ट्रू फ्रीडम होती है, और यहीं से आपको फ्रीडम अचीव की जा सकती है, ना कि आप सोसाइटी से अलग हो। क्या अपना खुद का डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हो, वो कैसी फ्रीडम हुई, मार्क्सिस्ट का कहना है। तो फ्रीडम क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है, वो बोलते हैं कि जो फ्रीडम बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ फ्रीडम नहीं मिलेगी, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट मतलब मार्क्स का जो व्यू है कैपिटलिज्म को लेकर, वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो, अगर हम देखें ना, जो वर्कर्स होते हैं धीरे 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 वो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको नहीं पता। एलिनेशन मतलब एलिनेट होना, कि तुम कितना अलग होते जा रहे हो, बिल्कुल अलग हो रहे हो। ठीक है, पहले तुम इतना काम करने लगोगे कि तुम पहले तो लोगों से दूर होते चले जाओगे। ठीक है, अब धीरे धीरे तुम दूसरे लोगों से जो तुम्हारे कांटेक्ट में थे उनसे भी दूर हो रहे हो। फिर तुम्हारा खुद के ऊपर, मतलब खुद के लिए टाइम नहीं होगा, जो तुम्हारी क्रिएटिव एक्टिविटीज होती है जो तुम्हारे खुद को डेवलप करती है। ठीक है, जैसे किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को वॉलीबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी क्रिएटिव एक्टिविटीज होती है, तुम्हारा इन पे ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ तुम 8-8 घंटे कंपनियों में काम करते रहोगे, इनका कहने का मतलब ये है। और फाइनली ये बोलते हैं कि ट्रू सेंस में देखा जाए कि तुमको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है सोसाइटी से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये था हमारा मार्क्स का पूरा कहना। अगर आपने मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इसकी, अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ 5-6 पेज का भर के लिख के आओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अदर कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी। अब कुछ और अदर भी हमारे फिलोसफर थे जो कि लिबर्टी को लेकर बोलते हैं। मिल्टन फ्रिडमैन, मिल्टन वो पानी वाली बोतल मिल्टन नहीं है, हमारे एक फ्रिडमैन हमारे फिलोसफर है, जो कि मिल और बैलिन की तरह ही है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी से काफी प्रभावित होते हुए बोलते हैं कि डेवलप करना चाहिए भाई नेशन ऑफ लिबर्टी। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी के थ्रू ही डेवलप हो सकता है क्या, लिबर्टी, फ्रीडम। फ्रीडम फ्रीडमैन के लिए बोलते हैं कि स्टेट जहां पर वेलफेयर के लिए काम करे, लॉ वगैरह मेंटेन हो, ये सब इनसे नहीं हो पाएगा। बोलते कि ये सब नहीं हो पाएगा, इससे कभी तुम फ्रीडम नहीं ले पाओगे। ठीक है, वो बोलते हैं कि फ्रीडम सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी से ही अचीव की जा सकती है, फ्रीडम, फ्रीडमैन ने बोला। अब हमारे एक और आते हैं एफ के हयाक जी, थोड़ा थोड़ा सा अलग सा नाम लग रहा है ना, हयाक जी, एफ ए हयाक, हयाक हयाक जी क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि स्टेट ऑफ लिबर्टी, अगर तुमको लिबर्टी चाहिए इंडिविजुअल को, तो कोई खतरनाक गवर्नमेंट आने से, आर्बिट्री मतलब स्टेट के आने से नहीं मिलेगी। फ्रीडम सिर्फ तुमको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी से। ये भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं कि इंडिविजुअल के ऊपर किसी का बाहर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, अनदर ग्रुप ऑफ थिंकर, कुछ और भी थिंकर्स है जो कि हमारे मार्क्सिस्ट से काफी प्रभावित थे, बोलते हैं फ्रीडम सिर्फ आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटी से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। और जो ये बोल रहा है ना, फ्रीडम इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का फ्रीडम होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये सिर्फ तुमको अलग कर रहे हैं इंडिविजुअल को, उनकी खुद की क्रिएटिव कैपेसिटी से बिल्कुल अलग कर रहे हैं, और उसके समाज के रिलेशन से अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत 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 इजी चैप्टर था ये। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखो, अगर ये चैप्टर समझना है ना, पहले ही बोल रही हूँ, लिबरल आइडिया को पढ़ के आओ। 2 वीडियो के अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है, पूरा यूनिट खत्म कराया हुआ है। फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट को पढ़ो, वो भी मैंने 2 वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है 2x की स्पीड पर देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 वीडियो देखना, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 3 यूनिट कब खत्म कर लिया। ठीक है, तो पकाना होता है खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगर किसी को PDF चाहिए तो वो मिलेगी आपको कहाँ पर, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।